चुरहट में मुख्यमंत्री के काफिले पर हुई पत्थरबाजी के मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री ने रीवा आईजी के पास दर्ज की शिकायत। जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, विगत 2 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चुरहट में मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया था। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस अधीक्षक सीधी और आईजी रीवा के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल पर आरोप लगाया गया है कि वो साक्ष को डरा धमका कर झूठा बयान दिला रहे हैं। भाजपा नेता ने गवाह को प्रभावित करने के आरोप में धारा 195A, धारा 511, भारतीय दंड संहिता 1861 के तहत कानून की मंशा को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। मुक्त कराने के लिए प्रशासन करेगा, हमने 195A के तहत मामला कायम करने की मांग की है। 195A और 511 धारा के तहत उनके खिलाफ कायमी की जाए यदि वो नहीं छोड़ रहे उनको तो। दूसरा, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे दृष्टांत हैं, आप लोग सर्च करेंगे, मैं मुझसे कहेंगे तो मैं भी कुछ आपको भेज दूंगा कि जाँच के दौरान किसी भी गवाह को कोई भी निरुद्ध नहीं कर सकता है।